तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे कोनी वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको 2023 का सरस आजीविका मेला दिखाने लेकर आया हूँ, जो कि गुड़गांव में लगा हुआ है। साल के मेले में आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, खा पी सकते हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, टिकट प्राइस है अंदर जाने की, सारी जानकारी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। तो सरस आजीविका का जो मेला है ये 26 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर 2023 तक चलेगा, 11 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। और यहाँ की जो लोकेशन है वो है लेजर वैली पार्क गुड़गांव, इफ़को चौक मेट्रो स्टेशन यहाँ का सबसे करीबी पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप 20 अलग राज्य के खाने खा भी सकते हैं, फ्री एंट्री और पार्किंग है, और कल्चरल प्रोग्राम भी है, फूड कोर्ट वगैरह भी आप सबको दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। और ख़रीदने के आपको यहाँ पे कई स्टॉल मिल जाएंगे। आज संडे का दिन है, यहाँ पे सच में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए अंदर आने के कई गेट्स हैं। तो ये हम मेले के अंदर जा रहे हैं और मेले के अंदर जाने की ऐसी कोई भी एंट्री टिकट नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं मेले के। देखिए काफ़ी बड़ा मेला है ये, सेक्टर 29 लेजर वैली ग्राउंड में गुड़गांव में लगा हुआ है। यहाँ पे इनॉग्रल हॉल है, इसके अलावा ये सारे जो देख रहे हैं यहाँ पे 400 स्टॉल्स हैं। सरस गैलरी मिल जाएगी आपको। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पे स्टॉल्स हैं। और किड्स जोन अलग है यहाँ पे, इसके अलावा फूड कोर्ट का एरिया यहाँ साइड पे है। थोड़ा थोड़ा आपको दिखा सकता, सारा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पार्किंग के एरिया यहाँ साइड पे है, लिखा हुआ है यहाँ पे 2 नवंबर 2023 8 बजे यहाँ पे दलेर मेहंदी कल्चरल इवनिंग एट सरस आजीविका मेला 2023। तो जो ये इवनिंग होगी, शो होगा, वो यहाँ पीछे होगा। ये स्टेज का एरिया है यहाँ पर। और यहाँ पे ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश के चीज़ें हैं जो मिलेंगी आपको। यहाँ पे लैम्प्स हो गए, काफ़ी अच्छे डेकोरेटिव लैम्प्स हैं, काफ़ी डेकोरेटिव लैम्प है, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं लैम्प्स यहाँ। इस तरीके से ये सब खरीद सकते हैं, बहुत वैरायटी की चीज़ें। उधर भी खिलौने हैं कई टाइप के, उड़ीसा के बहुत ज़्यादा, और कई ऐसी चीज़ें थोड़ी सिमिलर है, लेकिन हर स्टेट की अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग क्वालिटी की मिलती है। ये मैट्स हो गया, सब हैंडमेड लग रहा है मेरे को। इस तरीके से आपको कई सेल्फी पॉइंट दिख जाएंगे, एक यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है सरस आजीविका, और एक यहाँ पे आपको इस तरीके का यहाँ भी सेल्फी पॉइंट मिल जाएगा, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। इसके अलावा उधर हिंदी में भी लिखा है सरस आजीविका मेला, उसके साथ भी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं आप। जगह जगह पर ऐसे आपको पॉइंट दिख जाएंगे जिनके साथ आप अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, और सुबह के टाइम भी आ सकते हैं, रात के टाइम यहाँ का व्यू अलग होता है। तो इधर कई टाइप के कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं आप, साड़ी से लेके एक चीज़ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, खासकर यहाँ के बड़े बेस्ट है। देखिए अलग अलग राज्य की, जैसे हिंद महिला उत्तर प्रदेश, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चंदी माता मध्य प्रदेश, सर मध्य प्रदेश से। तो अभी क्या है कि अभी ना सीज़न आ रहा है सर्दियों का, तो सर्दियों के कपड़े आप खरीद पाएंगे, आप जूट बैग मिल जाएंगे, जूट बैग ये देखते हैं कहाँ के, ये भी शायद मध्य प्रदेश के जूट बैग है। और कपड़े मैंने देखे, कपड़े काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, स्टॉल नंबर भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आज संडे का दिन है यहाँ पे। इस तरफ यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है, और उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। सरस फूड कोर्ट इस तरफ है, तो फूड कोर्ट का एरिया देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा यहाँ पे फूड कोर्ट का एरिया। और ऐसे आपको कई पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे जिनके साथ फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ है यहाँ। तो कुछ भी खाने से पहले आपको यहाँ से बिलिंग काउंटर, ऑनलाइन काउंटर से इस तरीके से पैसे वगैरह देने पड़ेंगे। देखो का सिस्टम है, गेट योर बैंड रजिस्टर टॉप अप स्पेंड एंड ईट। अच्छा अच्छा, इस तरीके का यहाँ पे सिस्टम है। और बीच में भी यहाँ पे भी कई सेल्फी पॉइंट्स हैं, ये सारा साइड पे बिलिंग काउंटर है। और अलग अलग राज्य के खाने खा सकते हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, पंजाब, दिखाते हैं आप। जैसे देखिए यहाँ पे केरला का स्टॉल है, लाइम पी सकते हैं, फ्रेश लाइम, मिंट लाइम, अलग अलग टाइप की लाइम है, मिल्क पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो खा सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ है। आज एक्चुअली भीड़ है तो थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए दिखाना, लेकिन जितना दिखा सको दिखा देते हैं। राजस्थान का ये है, भेलपूड़ी खा सकते हैं, इस साइड भी प्राइस सारे लिखे हुए हैं। लिट्टी चोखा मिल जाएगा बिहार, रबड़ी जलेबी मिल जाएगी आप। अरुणाचल प्रदेश का ये चिकन मोमो, वेज मोमो खा सकते हैं, बैम्बू राइस चिकन मिल जाएगा आपको। इसके अलावा महाराष्ट्र के पाव भाजी, वड़ा पाव, पानी पूरी, मिसाल पाव, दबेली मिल जाएगी। ये देखिए, मतलब वही मैंने पेमेंट सिस्टम बताया, उसी तरीके से पेमेंट वगैरह दे के जो कुछ खाना आप खा सकते हैं। केरला का एक और स्टॉल यहाँ है, उड़ीसा का आगे है, रुमाली वेज रोल, चेना पोड़ा, तुमका पूरी, चिकन कोसा, अलग अलग चीज़ें जो खा सकते हैं। गोवा का हीरा, पंजाब का भी आगे है, देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आगे फिर आंध्र प्रदेश का ग्रिल चिकन वगैरह खा सकते,
आगे इसके बाद यहाँ पे केरला का एक और स्टॉल है, वेस्ट बंगाल का फिश फ्राई हो गया, तेलंगाना की हैदराबादी दम बिरयानी होगी, पंजाब का पानी पूरी, दही मल्ला, आलू टिक्की वगैरह मिल जाएगा। भीड़ बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के आलू टिक्की पापड़ी मिल जाएगी आप, उत्तराखंड का थाली मिल जाएगी आपको 250 रुपये की, खा सकते हैं जो आप। बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें देखिए यहाँ पे जो खा सकते हैं आप। हिमाचल प्रदेश का ये सब, हिमाचल प्रदेश स्पेशल, हरियाणा का स्पेशल थाली मिल जाएगी, बाजरा खिचड़ी, छोले चावल, गोलगप्पे मिल जाएंगे, मिलट चॉकलेट, छोले भटूरे मिल जाएंगे 120 रुपये, देसी लस्सी 50 रुपये की। असम टी पी सकते हैं आप, गुजरात का स्टॉल है, राजस्थान का स्टॉल है, छत्तीसगढ़ का मिल जाएगा, झारखंड का मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो खा सकते हैं, हमें आलू परांठा खा सकते हैं झारखंड का, ये देखिए। ये प्लेन डोसा वगैरह खा सकते हैं, छत्तीसगढ़ का ये सब है, महाराष्ट्र का ये रहा। और देखते हैं आगे क्या, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो सारा का सारा फूड कोर्ट एरिया मैंने आपको दिखा दिया, अब आगे दिखाता हूँ आपको क्या कुछ देखने को मिलता है मुझे यहाँ। 2023 का सरस आजीविका मेला, सरस फूड कोर्ट पीछे देख सकते हैं आप, 2 नवंबर 2023 को 8 बजे यहाँ पर दलेर मेहंदी भी आएंगे, कल्चरल इवनिंग होगी, और यहाँ बीच बीच में इस तरीके से डांस वगैरह होता रहता है, कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं आप। झूले वगैरह झूलने हैं तो वो देखिए पीछे झूले वहाँ लगे, दूसरा मेला है वो एक्चुअली लेजर वैली ग्राउंड में जाएगा। देखिए साथ में यहाँ पे छोटा भीम चुटकी है, शायद चुटकी है कौन है, तो इनके साथ फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं आप। इधर देखिए और कोई है यहाँ पर, ऐसे बहुत ज़्यादा आपको मैस्कॉट टाइप से दिख जाएंगे यहाँ पे, और सेल्फी पॉइंट बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको यहाँ, और बच्चों का ये खेलने कूदने का एरिया अलग सा है, दिखाता है आपको बच्चों का थोड़ा सा एरिया, एंटरटेनमेंट गेम्स यहाँ पे खेल सकते हैं बच्चे इस तरीके से। आप यहाँ स्नेक लेडर की गेम खेल सकते हैं बच्चों के लिए, देखिए कई गेम है, स्केच आर्टिस्ट यहाँ पर, और पीछे देखिए कैसे खेल कूद रहे हैं बच्चे यहाँ पर, मिक्की माउस का बैलून जंप है, ट्रैम्पलिन मिल जाएगा, और दो तीन है, तो ये बच्चों का खेलने कूदने का एरिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और बच्चे इसके अंदर जा सकते हैं और अलाव नहीं है, आई थिंक फ्री है ये सारा का सारा जोन जो भी है। खरीदने के तो मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा स्टॉल्स हैं, और ये फर्नीचर रिलेटेड आइटम्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, जो घर में मतलब स्विंग हो गया या इस तरीके से शो पीस हो गया, फ्लावर रखने के लिए ये हो गया, बहुत चीज़ें हैं जो खरीद सकते हैं यहाँ पे, और कारपेट्स भी मिल जाएंगे आपको। मैंने देखा खरीदने के तो बहुत ही ज़्यादा स्टॉल्स हैं यहाँ पर इस तरीके का, देखिए आर्ट हो गया, पेंटिंग्स हो गई, लोगों की कला यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलती है, ये कवर से हो गए, सुबह एक अलग लुक होता है मेले का, शाम को एक अलग लुक होता है, ये सब ले सकते हैं, और बैग वगैरह खरीद सकते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे छोटे बच्चों के सॉफ्ट टॉयज से लेके एक एक चीज़, काफ़ी वैरायटी की चीज़ें मैंने देखा जो मिल जाएंगी, अचार हो गया, मुरब्बा, जूस, पिकल्स, काफ़ी कुछ मिल जाएगा। देख कितने ज़्यादा बच्चों के खिलौने से यहाँ पर,
ये सब खरीद पाएंगे आप, और दिवाली स्पेशल चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको। सब दिवाली स्पेशल मिठाइयाँ से लेकर एक चीज़ बिस्किट्स वगैरह रागी के, और ये पीछे हैंडीक्राफ्ट का सामान भी खरीद सकते हैं आप यहाँ पे। ये छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट का सामान है जो आप खरीद पाएंगे इस तरीके से, आपको ये भी मिल जाएगा यहाँ पे। ये केरल के स्टॉल हो गए, और केरल के स्टॉल में आपको पालगढ़ तेली का गुड़ मिल जाएगा, इसके अलावा बनाना चिप्स हो गए। पैकेट में कई ऐसे आइटम जो मिल जाएंगे आप, ये गुजरात का लग रहा है जूस टाइप, पता नहीं यहाँ लिखा, हाँ जूस आई। कार करके दिखाएंगे आप, पर्स हो गए, बैग्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई, और इतने ज़्यादा यहाँ पे स्टॉल्स हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे फ्री पामिस्ट मिल जाएगा, दिखाते हैं आपको फ्री पामिस्ट। देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जय हनुमान हरियाणा, और ये छोटे साइज़ में भी अवेलेबल है, इसके अंदर से लाइट भी जलती है, और बड़े साइज़ में भी अवेलेबल है। ज्वेलरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और फुटवेयर भी हैं, वुमेन फुटवेयर, मैन फुटवेयर, वो छोटे साइज में भी अवेलेबल है। ये शान सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा, इधर यहाँ बहुत बड़ी भीड़ है, तो एक्चुअली ये वो लग रहा है ना, आई थिंक दिवाली स्पेशल, तो तभी ज़्यादा भीड़ है। ये सारे गुजरात के आसपास के स्टॉल, बटर मिल्क मसाला, ए टू काओ घी, नस्य, आंवला पाउडर, ये सब मिल जाएगा आपके यहाँ। बहुत बारीकी से ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, और ये देखिए आपको मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है इन्होंने यहाँ पे, इस तरीके से ये सब भी आपको दिख जाएगा यहाँ, आप इनके साथ फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, डांस वगैरह भी करते हैं। कि हाइट असल 10 फुट है, और इनके साथ भी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं आप। इधर देखिए क्या लिखा, इधर यहाँ लिखा है महिला सशक्तिकरण, अच्छा तो इसके साथ फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, ये इनको खिंचवानी है खिंचवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ बीच में फ्री पामिस्ट, और इधर और भी कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो मिल जाएंगे आपको हैंडीक्राफ्ट के। ये देखिए इस तरफ कप्स हो गए, अचार में रखने वाली बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब इतने ज़्यादा हैं कपड़ों के हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल, ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी यहाँ। कैसे लाइट से जल रहे इसमें से, ये आंध्र प्रदेश, ये बिहार, बिहार के बाद यहाँ पे असम, सब वुडन लग रहा है, इतनी वुडन है बैबू लग रहा है। ये आंध्र प्रदेश के बड़े साइज में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं। पीछे तक मैंने आपको मैप में दिखाया ना, काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स, तो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ है लखपति दीदी पवेलियन, मैं बनूँगी लखपति दीदी, सब फोटो क्लिक करा सकते हैं यहाँ अंदर से। ये लिखा है सरस में हम, तो इसके साथ फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं आप। ये दूसरा वाला एंट्री गेट है जहाँ पास में खड़े हैं, जिसके हम कई ऐसी जगह जगह पर टीवी दिख जाएंगे आपको,
और काफ़ी बड़ा एरिया मैंने देखा ये, बच्चों के खिलौने भी हैं देखिए कई अलग टाइप के। सरस आजीविका गैलरी है यहाँ पे, खिलौने हैं बच्चों के कई अलग टाइप के और अलग अलग टाइप की चीज़ें खरीद सकते हैं शायद। इधर ही लिखा ऑल कैंडी क्राफ्ट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन दिस स्टोर 10:30 AM to 8 PM। बिहार के देखिए अलग अलग साइज के कारपेट्स हैं यहाँ पर। और इधर अगर आपको कोई सामान खोता है या कुछ मिलता तो इधर आप ले सकते हैं या ले सकते हैं। देखिए डिज़ाइन कितना बढ़िया लग रहा है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना डिज़ाइन। ये तो जगह जगह पे आपको ऐसे फ़ोटो के लिए काफ़ी अच्छी जगह मिल जाएगी। तो ये था यहाँ का मेला, बढ़िया लगा मेरे को काफ़ी। खाने पीने के इतने मतलब इतने ज़्यादा ऑप्शंस और ख़रीदने के तो और भी ज़्यादा ऑप्शन। तो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया इस वीडियो में। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया तो।